हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ और उनमें से शायद आपको एक दो टिप बहुत ही यूजफुल हो एंड बहुत ही अच्छा लगे मेरा ये टिप। चलते हैं टिप्स देखने गाइस। तो गाइस, आपके पास भी बहुत सारे पुराने कपड़े वगैरह हो गए हैं और आप उसको इकट्ठा करके थक गए हो। आप सोच रहे हो इन कपड़ों का क्या करूँ, कभी साफ ही बनाते हो, कभी कुछ बनाते हो, या फिर आप कुछ चीज़ें साफ करके डायरेक्ट फेंक देते हो। तो मैं उसका अच्छा सा इस्तेमाल बताऊंगी आपको कि उस कपड़ों का क्या करना है जो बहुत ज़्यादा फट गया है, जो आप किचन में भी यूज नहीं कर सकते हो, किसी चीज़ में यूज नहीं कर सकते, तो उन कपड़ों का आपको क्या करना है। तो इसके लिए एक फैब्रिक चाहिए जो कि 16x16 होना चाहिए, पर 16x16 ये नहीं है, उससे थोड़ा बड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको कट भी नहीं करूँगी, इसको मैं सिर्फ सिलाई कर दूँगी नाप कर 16x16। वो इसलिए क्योंकि अगर इन फ्यूचर मुझे इसको ओपन करके यूज करना हो किसी और चीज़ में तो मैं यूज कर सकूँ। तो सिलाई करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत मार्जिन ओपन करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़े बहुत जगह पे सिलाई नहीं करना पड़ेगा। तो सिलाई नहीं किया है मैंने, इसलिए मैंने ये सीधा कर लिया, और सीधा करने के बाद जहाँ हमने सिलाई किया था वैसा ही हमें सेफ मिल गया 16x16 का। तो जितने पुराने फटे कपड़े हैं ना, जो मैंने बताया था जैसे कि, तो वो सारे के सारे ना अंदर डालना है। तो देख सकते हो ये बिल्कुल पिलो का सेप ले लिया है और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखने में। और जो मार्जिन ओपन है ना, उसको हमें सुई धागे से सिल लेना है। और अगर आप टेलर हो, आपके पास बहुत सारे कतरन निकलते हैं और आप कूड़े में फेंक फेंक कर थक जाते हो, तो इससे अच्छा है कि सारे कपड़ों को एक जगह करो और पिलो बनाओ। तो ये देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा बहुत डेकोर भी कर दिया है फ्लावर वगैरह लगा के ग्लू स्टिक से। तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देख सकते हो। और मैंने अपने ना सोफे पर डेकोर भी कर दिया है ना, कितना यूजफुल। तो जो भी पुराने कपड़े हैं ना गाइस, तो उन सब का ऐसे ही इस्तेमाल करें। और आप चाहो तो इन सारे कतरन को इकट्ठे करके ना मुद्दी भी बना सकते हो, और ये जितने पुराने फटे कपड़े होते हैं उन सब का मुद्दी भी बना सकते हो। मेरे पिछली वीडियो में देख सकते हो मैंने उसमें मुद्दी बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वो देख सकते हो मेरे पास एक जार पड़ी है, जार के अंदर सामान है बट इसका ढक्कन मिसिंग है। तो ढक्कन के लिए मैं क्या करूँ गाइस, तो इस टिप को यूज करने के लिए ना कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक गुब्बारे लेनी है और उसको कट करना है। तो कट करने के बाद ना ये बहुत ही अच्छा सा एक ढक्कन मिल जाएगा, जो कि अगर ना आप लगा दोगे ना गाइस, लगाने के बाद ना आप थोड़ा बहुत इसको नीचे के साइड भी करोगे ना, या फिर उल्टा भी करोगे, तो देख सकते हो कुछ भी नहीं गिरेगा। और पता है अगर लिक्विड चीज़ भी होना है इसके अंदर, जार के अंदर, तो भी आपका ये जो लिक्विड सामान है ना वो गिरेगा नहीं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है एंड बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो जो नेक्स्ट टिप है गाइस, कभी ना कभी हमें छोटे कपड़े की ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ साफ़ करके फेंकने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसे डस्टिंग या कहीं भी हम देख लेते हैं ना, तो छोटे कपड़े हमें चाहिए ही होता है। तो जितने भी पुराने कपड़े आपके होते हैं ना, उनको आप छोटे छोटे पीस कट कर ले, 5-6 इंच का कट कट करके ना सारे के सारे एक जगह रख ले। आप थैली में रखते हो तो मैंने ना बहुत ही बेहतरीन एक टिप निकाला है। मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है, उस कार्डबोर्ड को बॉक्स को ना मैं थोड़ा बहुत ठीक कर लूँगी ताकि देखने में भी अच्छा लगे। अगर मैं गेट के पीछे या कहीं भी रखूँ ना, तो इजी तरीके से मैं उठा कर ना कपड़े यूज भी कर सकती हूँ और रख भी सकती हूँ। पॉलीथीन में ना थोड़ा चीप लगता है मुझे, तो मैंने इस तरीके से आजमाया है। और ये जो है ना, इसको थोड़ा डेकोर भी कर दिया है मैंने कार्ड चार्ट पेपर वगैरह लगा के, ताकि दिखने में ना थोड़ा अच्छा लगे। तो ये गाइस देख सकते हो, ये मेरा टिप्स कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एंड मुझे तो बहुत ही यूजफुल लगा। और जितने कपड़े मैंने कट किए थे ना, सारे मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और ये बहुत ही बेहतरीन है। और जो नेक्स्ट है वो ये है कि हर संडे हम नेल्स काटते ही हैं, और काटते काटते क्या होता है कि किसी के बड़े नेल्स होते हैं ना, तो वो उछल उछल के ना इधर उधर पड़ जाता है नेल्स, और हमारे पैरों में छुप जाते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो इससे अच्छा ना आप एक काम करें कि जो नेल्स कटर है उसके अंदर आप टेप लगा लें। तो ये देख सकते हो इस टेप को ना मैंने राउंड राउंड करके लगा दिया है, और अब जो है मैं नेल्स काटूंगी ना, तो नेल्स के जितने टुकड़े कट होंगे ना सारे,
तो जितनी नेल्स है ना सारे टेप में चिपक गए हैं कट करने के बाद, और इधर उधर बिखरा भी नहीं, और ये हमारा ना परफेक्ट नेल्स कटर रेडी है। तो आई होप ये टिप्स अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट जो है वो बहुत ही यूजफुल है, आपका जो मिरर है वो गंदा हो गया है और वो ऐसा लगता है, और साफ़ करने के बाद भी ऐसा ही दिखता है और आप साफ कर करके परेशान हो गए हो। तो मैं ऐसा टिप्स बताऊंगी ना गाइस कि आप भी सोचोगे कि क्या इससे साफ़ हो सकता है, मिरर इससे साफ़ हो सकता है, आप हैरान हो जाओगे गाइस। तो जी हाँ, मैंने लिया है न्यूज़पेपर, जी हाँ ये न्यूज़पेपर से ही साफ़ होगा। तो ये मैंने पानी का छिड़काव किया है मिरर पर और मैं करूँगी न्यूज़पेपर से साफ़, और ये इतना क्लीन हो जाएगा ना गाइस, इतना क्लीन, आपको कपड़े की यूज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो देख सकते हो कितना क्लीन हो गया है एंड कितना, मतलब कहीं भी तू सा भी गंदगी नहीं है, और मेरा मिरर बहुत क्लीन लग रहा है। तो जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूजफुल है। तो आपके घर में अगर फर्नीचर या फिर टाई या फिर आपके जो प्लास्टिक के जो भी सामान है वो ख़राब से हो रहे हैं और आप सोच रहे हो कि कैसे साफ़ करूं, और आपके घर में कॉलिंग नहीं है, तो जी हाँ मैं घर पे ही बनाऊंगी कॉलिंग। तो इसके लिए हम लेंगे पानी एंड डिटर्जेंट पाउडर जिसके अंदर कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो होता है हमारी गंदगी क्लीन करने में बहुत कारगर होता है। और हम लेंगे लेमन, लेमन में कैलोरीन होता है जो कि कीटनाशक रहित होता है, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो फर्नीचर और प्लास्टिक के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद लेंगे बेकिंग सोडा, तो हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो ये तीन चीज़ डालना है, और ये तीनों चीज़ डालोगे ना गाइस तो आपका जो कॉलिंग है, कॉलिंग एकदम ज़ोरदार बनेगा एंड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और आपके जो फर्नीचर प्लास्टिक है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर देगा क्लीनिंग के साथ। तो इन सबको मिलाने के बाद ना हम एक स्प्रे वाला बोतल देख लेंगे जो कि स्प्रे करता हो, लाइक बहुत ही अच्छा स्प्रे करता हो। तो इसमें मैंने डाल लिया है, एंड मैं ना स्प्रे करते करते ना मैं जो भी मेरी प्लास्टिक है, फर्नीचर है, टाई है, जो भी गंदा गंदा था ना मैं सबको क्लीन करूँगी। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। जो क्लीनिंग का प्रोसेस था वो हो गया है, और ये जो फाइनल रिजल्ट है वो देख सकते हो गाइस। तो जो नेक्स्ट है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। आप हर मॉर्निंग ब्रश करते ही हो, तो करते करते आप अपने ब्रश को देखते हो कि ये तो ख़राब हो गया है, और आप इस ब्रश को फेंक देते हो। तो मैं इस ब्रश को फेंकूंगी नहीं, इसका भी रीयूज करूंगी, और मैंने इसका रीयूज का आइडिया रखा हुआ है। तो ये जो है ना ये मेरे घर की कोने कोने की सफाई करने में बहुत मदद करेगा। तो ये विंडो देख सकते हो, इस विंडो के बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले लाइन होते हैं, वहाँ पर गंदगी रह जाते हैं, कपड़े उसे भी साफ़ नहीं होता है। तो मैं इस ब्रश से साफ़ करूंगी, और जो मैंने कॉलिंग बनाई थी उसी से मैं क्लीन करूंगी। तो ये देख सकते हो, और ये कोने कोने में जा सकता है, जहाँ कपड़ा भी नहीं जा सकता ना वहाँ ये ब्रश जा सकता है, और ये हमारा जो विंडो का जो कोना कोना है ना क्लीन हो गया है। तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये भी बेस्ट है रीयूज का, और ये तरीका बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए आने वाला है क्योंकि हर टाइम आप चाय बनाते ही हो, तो चाय बनाने के बाद कुछ ऐसा हाल हो जाता है, और नीचे जो फर्श होता है टाई स्लेप वो भी गंदा हो जाता है, और आपका गैस भी गंदा हो जाता है। तो आप सोचते हो अरे यार ये तो बहुत बेकार हुआ, क्यों गिर गया चाय। तो इसका भी आइडिया है मेरे पास, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। तो इसके बाद गाइस अगर आप चाय या फिर दूध अगर आप बैठाने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप पलटा ले ले कोई भी या छलनी ले ले, उसको आप ना दूध के बाउल के ऊपर रख लो, ताकि दूध अगर उफने ना तो वो नीचे हो जाए, मतलब उस पर भार रहेगा तो दूध
जो उफनेगा वो नीचे हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं। अगर लाइक गिर भी गया ना तो वो प्लेट पे जाकर गिरेगा और आपका ये जो प्लेट है वो डायरेक्ट निकालोगे और वॉश कर दोगे, आपका जो स्लेप है वो गंदा नहीं होएगा। तो मेरा ये टिप्स ना चाय लवर के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन है। तो जो नेक्स्ट टिप है वो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ऐसी वाली थैली हर घर में होता ही है, क्यों ना हो, सूट वगैरह रखना ही पड़ता है यार, ऐसी थैली यूज करना ही पड़ता है। तो ऐसी थैली यूज करने के बाद ना कुछ दिनों बाद ना फट सा जाता है ये, और फटने के बाद ऐसा लगता है यार अब इसका क्या ही हो सकता है, आप फेंक ही दे इसको, ऐसा लगता है। तो आप फेंके ना 10 रुपये बच जाएगा आपका। वो ऐसे आप एक पेपर ले ले, प्लास्टिक पेपर जो कि बुक्स कवर करने में काम आता है, तो ये 20 रुपये की आ जाती है गाइस। और इस प्लास्टिक सीट को आप रख करना इसी के नाप का कट कर ले, और कट करने के बाद ना हमें ना अच्छे से अटैच करना है, जैसे वो वाला प्लास्टिक सीट अटैच था ना पहला वाला, वैसे ही डिटो अटैच करना है। और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने मार्केट से लाया है, कोई एडिटिंग नहीं हुआ है इसमें, ऐसा लगेगा। और ये जो हमारा 10 रुपये का थैली है, मतलब साड़ी बैग रेडी है आपका, और ये इसमें आप कपड़े रख सकते हो। जब भी आपका प्लास्टिक बैग फटे तो आप यही वाला टिप्स अजमाना, और ये बेस्ट है। मैं करती हूँ, और मैंने बहुत सारे मेरे प्लास्टिक का जो साड़ी का जो बैग था वो फट गया था, तो मैंने ऐसे ही यूज किया है। तो गाइस आपको ये मेरा टिप्स कैसा लगा, और मुझे पता है ये बहुत यूजफुल टिप्स है और आपको अच्छा लगा ना गाइस, तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, क्योंकि मुझे बहुत एफर्ट बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय, अपना ध्यान रखना।